आपके पिताजी और दादाजी को भी जानता हूं मैं, उनके बाल आज भी भरपूर है, लेकिन आपके बालों में ये गंजापन क्यों आया? कुछ उपाय करते क्यों नहीं? क्या उपचार नहीं किया? महंगे से महंगे शैंपूओं को, महंगे से महंगे तेल को लगा लगा के थक गए हैं। जैसे जैसे लगा रहे हैं वैसे वैसे ज्यादा बाल जा रहे हैं। इंगली गांडा जिनको इन्हीं नामों से पुकारा जाता है, ये अपने घरेलू कांदा की तरह ही होता है। तिल, नारियल, सरसों, अलसी कोई भी एक तिल लेकर उसको गर्म कर दीजिए, उसके अंदर जंगली प्याज और उसके पत्ते उनको बढ़िया कूट पीट के और लुगदी बनाकर उसमें डाल दो और उसको उबाल दीजिए। जब बेहतरीन काला पड़ जाता है उसको नीचे उतार दीजिए। ठंडा करने के बाद में उसको छान कर किसी कांच के पात्र में डाल दीजिए। दिन में 2 बार उस तेल से सर की मालिश कर दीजिए। 30 दिनों में ही उगते हुए बाल स्पष्ट दिखने लग जाए। जितने बालों की आवश्यकता है उतना लंबा चलाते रहिए। विद्याचारी तो यहाँ तक प्रशंसा करते हैं कि अगर इसको आप हथेली के अंदर ऐसे ही मालिश करते रहोगे तो हथेली के अंदर ये बाल उगने लग जाएंगे, सभी प्रकार की एलोपेशिया की शिकायत समस्या समाप्त हो जाएगी। आसानी से संपूर्ण जानकारी समझने के लिए यहाँ देख लाभ प्राप्त कर लीजिए। ऐसी ही सेहत की संपूर्ण जानकारी के लिए दूसरों की भलाई का मन मूड बन गया हो तो वायरल कर दीजिए 1 लाइक मेरे लिए।